इस रेस्टोरेंट का खाना आप ऐसा मान लो कि जैसे किसी 5-स्टार होटल के कुक इन्होंने लगा रखे हों और वे बना रहे हो। एक तो है जैसे नॉर्मल ढाबे वाले होटल हो गए या एक नॉर्मल होटल हो गया कहीं पर इस रेस्टोरेंट का फूड ना बहुत हाई लेवल का है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बिल में मैं आपको आखिर में दिखाऊंगा, लेकिन अगर आपको टेस्ट से प्यार है और आपको बढ़िया ऑथेंटिक खाना एकदम मज़ेदार खाना तो यो यहीं मिलेगा। ये मेरा पर्सनल नज़रिया है, ये तो आपकी इच्छा है, जब आप हनोई वियतनाम में आओगे कहीं भी खा सकते हो आप, लेकिन अगर आपको अच्छा खाना खाना तो मैं रसम मॉडर्न इंडियन कजिन रेस्टोरेंट इसे प्रेफर करूँगा कि इसमें जरूर आया खाना खाने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मेरा नाम ऋषभ है और मैं हनोई वियतनाम से हूँ। आज मैं आया हूँ हनोई में आखिरी बार डिनर करने इंडियन रेस्टोरेंट में रसम, जो कि हनोई वियतनाम का बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है, बहुत ही मॉडर्न रेस्टोरेंट है। तो ये है वो रेस्टोरेंट, आप देख सकते हैं मॉडर्न इंडियन रेस्टोरेंट। मैं अधिकतर बहुत रेस्टोरेंट में गया हूँ इंडियन रेस्टोरेंट में हनोई वियतनाम में, पर ये रेस्टोरेंट सच में मॉडर्न है। अभी मैं आपको अंदर से भी दिखाऊँगा, चलिए मैं आपको पहले बाहर का नज़ारा दिखा दूँ। तो ये जो रेस्टोरेंट है ये होताई में है, टेट फेस्टिवल आने वाला है और जो है हॉलीडेज़ मेरे स्टार्ट होने वाले हैं इस वीक से 7 दिन के। तो ये हनोई के अंदर मेरा लास्ट डिनर है, इसके बाद मैं 7 दिन के लिए छुट्टी पर जा रहा हूँ हनोई से बाहर घूमने। आप भी मेरे साथ चलेंगे, उसकी भी वीडियो आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप वीडियो पसंद कर रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये रेस्टोरेंट जो है होताई में है और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रैफिक भी कम है। ये है रसम इंडियन कजिन मॉडर्न। यहाँ पे देख सकते हैं आप फ्लावर की शॉप लगी हुई है क्योंकि टेट फेस्टिवल आने वाला है। टेट फेस्टिवल बस इसी हफ्ते से स्टार्ट हो जाएगा, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं फ्लावर, बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर। टेट फेस्टिवल पर ना सबसे ज़्यादा फ्लावर बिके हैं यहाँ, खूब तरह के बड़े बड़े गमले, बड़े बड़े पेड़ पौधे, बहुत सुंदर सुंदर फूल, बहुत एक्सपेंसिव हुए हैं ये। मतलब जो बहुत बड़ा गमला लोगे ना वो होगा 1 मिलियन यानी 3,000 के करीब का, ठीक है। और आप जो जिस इलाके में मैं आया हूँ ना, इस इलाके में जो है अधिकतर फॉरनर रहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे अपार्टमेंट है रेंट के लिए, फिर ये मोटर बाइक है रेंट के लिए। तो ऐसे बड़े बड़े अपार्टमेंट्स होते हैं जहाँ पर फॉरनर रहते हैं, UK हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, यहाँ से रिलेटेड लोग आते हैं। और जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये अलग अलग तरह के फ्लावर हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये होता है, दूर तक आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया है। तो अगर किसी को फ्लावर चाहिए तो यहाँ से आप खरीदो अपने, जैसा हम जो है नए त्यौहार पे अपने घर सजाते हैं ना, दिवाली होली पे फ्लावर लाते हैं, झालर लगाते हैं, इसी तरीके से हनोई वियतनाम में टेट फेस्टिवल मनाया जाता है। तो उस टेट फेस्टिवल में जो है फ्लावर लाए जाते हैं, फ्लावर से घर पे सजाया जाता है। जो लोग बाग अपने घर से दूर काम करते हैं, दूसरी सिटीज़ में काम करते हैं, वे टेट फेस्टिवल पर अपने घर वापसी करते हैं और अपनी फैमिली के साथ ये फेस्टिवल इंजॉय करते हैं 7 दिन। तो इन 7 दिनों में वे सब बहुत अच्छे अच्छे डिशेज़ बनाते हैं, अपनी फैमिली मेम्बर से मिलते हैं, अपने रिलेटिव से मिलते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं और साथ में खाना पीना खाते हैं। ये होता है यहाँ का टेट फेस्टिवल। इस टेट फेस्टिवल की एक खास बात यह है कि यहाँ ना कर्फ्यू की तरह होता है टेट फेस्टिवल, कोई दुकान नहीं खुली होती, कोई रेस्टोरेंट नहीं खुले होते, सब कुछ बंद होता है। तो चलिए मैंने आपको टेट फेस्टिवल के बारे में बताया, अब हम चलते हैं थोड़ा अंदर की ओर। ये है आपका रेस्टोरेंट, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये है आपका रसम मॉडर्न, सैनिटाइज करना पड़ेगा यहाँ आपको, आप देख सकते हैं सुंदर बहुत है भाई। बाहर बैठना हो बाहर बैठ जाओ तरीके से, यहाँ पे आप बाहर बैठ सकते हैं अगर आपको बाहर बैठना है। ऊपर तक है एक, ये ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है, वो सेकंड फ्लोर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से है ये ऊपर से लेके नीचे तक पूरा बड़ा। चलो अंदर की तरफ, इनका मिनी बार है।
इसमें कोई शक नहीं है कि रेस्टोरेंट सुंदर है नहीं है, बहुत सुंदर है। हनोई में जितने भी इंडियन रेस्टोरेंट हैं उनमें से सबसे सुंदर और सबसे शांत है। सबसे सुंदर शांत रेस्टोरेंट में अगर मैं से है ये रसम रेस्टोरेंट। लाइट धीमी धीमी जली हुई है, अच्छा एटमॉस्फेयर है। मतलब किसी को डेट पे आना हो, पार्टी करनी हो आपको अपनी फैमिली के साथ, कुछ क्वालिटी टाइम बिताना हो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, तो आप इस रेस्टोरेंट में आ सकते हैं। अब जैसे ही खाना आएगा मैं खाने का भी बताता हूँ आपको कि खाना कैसा है। अभी फ़िलहाल लस्सी आ रही है, तो ये भैया जो है लस्सी ले आए। एक मैंगो लस्सी, स्ट्रॉबेरी लस्सी, थैंक यू सो मच। ये आप देख सकते हैं स्ट्रॉबेरी लस्सी। तो इस तरीके से भी लस्सी मैं ज़रा टेस्ट कर लूँ। एक नंबर, मज़ा आ गया। खाने का टेस्ट और करते हैं, अभी खाना जाएगा। भैया ये देख सकते हैं आप, ये आ गया है डोसा, सांभर, साथ में दो चटनी। ये मैंने जो ऑर्डर किया है ये चिकन मसाला डोसा जो मैंने ऑर्डर किया है। चटनी बहुत बढ़िया लग रही, गाढ़ी गाढ़ी चटनी है। आप सांभर भी देख सकते हैं, ये है सांभर। ये आपका डोसा, ठीक है। अब ये डोसा आ गया, जरा मैं इसकी फीलिंग देख लूँ। अच्छा बढ़िया है फीलिंग, भरा खा अंदर सब। तो चलिए अब खाते हैं।
पहली बार देखा मैंने ऐसे गार्लिक नान जिस पे जो है इतना सब कुछ लग रहा, नहीं तो गार्लिक ही गार्लिक हो गया। ठीक है, और ये है आपका कढ़ाई पनीर, देखने में तो सुंदर लग रहा, अब खाने के बाद पता चलेगा खाने में कैसा है। पर भाई नान ने तो मुझे इम्प्रेस कर दिया, जो पहली बार मैं ऐसा नान खा रहा, इतना बढ़िया, इतना देखने में तो अच्छा है, इतनी सब्जियां इस नान के ऊपर लग रही, गार्लिक नान। दिस इज गार्लिक नान, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। एंड कश कढ़ाई पनीर, कई रेस्टोरेंट में खाया मैंने कढ़ाई पनीर, सारे अधिकतर जो फेमस रेस्टोरेंट है हनोई वियतनाम हनोई में, सारे रेस्टोरेंट में खाया मैंने कढ़ाई पनीर, पर इससे बेस्ट नहीं है मुझे लगा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इससे बेस्ट कढ़ाई पनीर नहीं है उसके अंदर, हनोई के अंदर। और कश्मीरी नान भी, ये कश्मीरी नान है, सॉरी मैंने अभी आपको गार्लिक नान बोला था, पर ये कश्मीरी नान है, बहुत बढ़िया कश्मीरी नान है, पतला है, टेस्टी है। इस रेस्टोरेंट का खाना आप ऐसा मान लो कि जैसे किसी फाइव स्टार होटल के कुक इन्होंने लगा रखे हों और वे बना रहे हो। एक तो है जैसे नॉर्मल ढाबे वाले होटल हो गए या एक नॉर्मल होटल हो गया कहीं पर इस रेस्टोरेंट का फूड ना बहुत हाई लेवल का है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बिल में मैं आपको आखिर में दिखाऊंगा, लेकिन अगर आपको टेस्ट से प्यार है और आपको बढ़िया ऑथेंटिक खाना, एकदम मज़ेदार खाना, तो यो यहीं मिलेगा, ये मेरा पर्सनल नज़रिया है, ये तो आपकी इच्छा है, जब आप हनोई वियतनाम में आओगे कहीं भी खा सकते हो आप, लेकिन अगर आपको अच्छा खाना खाना तो मैं रसम को, रसम मॉडर्न इंडियन कजिन रेस्टोरेंट, इसे प्रेफर करूँगा कि इसमें जो जरूर आया खाना खाने के लिए। तो यह है भाइयों इनका किचन, मंदिर और ये किचन है। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे फ्रेश बने हैं, ऐसा जब खाना खाओ ना तो फ्रेश का पता लग जाए कि कौन सा फ्रेश है कौन सा रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ का जो खाना है वो भी बिल्कुल फ्रेश है, तो अगर किसी को जो है टेस्टी खाना खाना तो वो इस रेस्टोरेंट में जरूर आइए। रसम, मैं इसका एड्रेस जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा। तो और सबसे बड़ी बात है टेट फेस्टिवल में भी वो रेस्टोरेंट खुलेगा, यानी जो 7 दिन हॉलीडे होंगे ना उसमें भी वो रेस्टोरेंट खुलेगा, किसी को आके खाना हो, किसी को जो है डिलीवरी करानी हो तो आप वो भी डिलीवरी भी करा सकते हो। ठीक है, तो ये अपने दो भाई हैं, एक मोहन जी हैं और एक और भाई है, तो ये खाना जो है यहाँ ऐसे पैक करें। भाइयों ये हैं गणेश जी और ये हैं मोहन जी, ये उत्तराखंड से हैं, ये बॉलीवुड से हैं। ठीक है ना, बॉलीवुड से बिल्कुल ही ना बुलवाया गया है वियतनाम में। तो रसम इनका रेस्टोरेंट है, जो भी मेरी वीडियो देख रहा हो भाइयों इनके रेस्टोरेंट में जरूर आइयो, अगर किसी को जो है खाने से प्यार है, टेस्ट से प्यार है, तो कि बिल्कुल भी निराश नहीं होने के, टेस्ट की वजह से मोहन जी ने इतना अच्छा प्यार से खाना बनाया है और सच में दिखाया है उस खाने में ना प्यार दिखता है। एक तो होता है कि बना के दे दिया चलो भाई ड्यूटी निभाओ, ठीक है ना, लेकिन एक जो खाने में प्यार है ना वो इन दोनों भाइयों ने बहुत टेस्टी खाना बनाया सच में हनोई के अंदर। मैं 4 साल का एक्सपीरियंस बता रहा क्योंकि मुझे हर इंडियन रेस्टोरेंट में खा रखा, तो जब भी आप हनोई वियतनाम में आओ मैं इनका जो है रेस्टोरेंट का एड्रेस छोड़ दूंगा वीडियो के नीचे, तो आप जो है यहाँ पे आके संपर्क करो। अभी हॉलीडे स्टार्ट हो रहे 7 दिन के, उसमें भी इनका रेस्टोरेंट खुला हुआ, चाहे यहाँ आके खाओ या घर मंगाओ, दोनों चीज़ें उपलब्ध हैं। ठीक है, ऑर्डर करने में घबराइयो मत, तुरंत रिप्लाई करेंगे फेसबुक पे मैसेज पे, व्हाट्सअप नंबर भी इनका पड़ा हुआ, वहाँ से भी तुरंत रिप्लाई आएगा। तो जब भी टाइम मिले जरूर आओ इस रेस्टोरेंट में। ठीक है, चलो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। भाइयों बिल जो बना है वो बना है 700
43 VND का, यानी आप मान के चलो 7 × 14 = 21, 2100 रुपये का डिनर है दो लोगों का, लेकिन खाना बहुत टेस्टी है। और भाइयों ने आखिर में गुलाब जामुन जो फ्री में दिया, इसके पैसे नहीं जोड़े फ़िलहाल, ठीक है। तो रेस्टो में ज़रूर आए आप हनोई वियतनाम में, और जो है बिल मैंने आपको बता ही दिया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अब मैं आपको मिलता हूँ नई वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।